शाहुल जॉन, आज हम पढ़ेंगे एनआईओएसटी इकोनॉमिक्स जिसका कोड है 318, चैप्टर है 19 और चैप्टर का नाम है आपूर्ति। इसके हम सेकंड पार्ट को करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हम कुछ तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे व्यक्तिगत और बाजार आपूर्ति, और ये दो और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा व्यक्तिगत आपूर्ति और बाजार आपूर्ति इसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत आपूर्ति वह आपूर्ति है जिसमें विक्रेता एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचने को तैयार होता है। कौन बेचने को तैयार है? एक विक्रेता यानी सेलर एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचने को तैयार होता है। बाजार आपूर्ति किसे कहते हैं? बाजार आपूर्ति उसे कहते हैं जिसमें सभी विक्रेता एक निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर वस्तुओं को बेचने को तैयार होते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची और बाजार आपूर्ति अनुसूची। अब ये व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची या बाजार आपूर्ति अनुसूची क्या होती है? इसमें सिर्फ ये है कि जो भी चीजें बेची जा रही हैं उसको एक टेबल में दर्शाया जाना है। जैसे कि आपके बुक में दे रखा है पेज नंबर 126 में, आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे रखा है चीनी की बाजार आपूर्ति, तालिका दे रखी है 25 से कीमत है 25, 30, 35, 40, 45, फर्म आ द्वारा चीनी की आपूर्ति मात्रा किलो में 100, 200, 300, 400, 500, फर्म बी द्वारा चीनी की आपूर्ति मात्रा ऐसे ही, फर्म सा ऐसे ही दिखाया गया है कि किस तरीके से इसकी आपूर्ति को बनाया जाता है। फिर है आपूर्ति वक्र किसे कहते हैं? जब इन चीजों को टेबल में तो दर्शा दिया, जब हम इन आंकड़ों को हम उसमें शो करते हैं डायग्राम में वक्र के अंदर, तो उसे आपूर्ति वक्र कहते हैं। आपूर्ति वक्र दो तरीके के होते हैं, व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र और बाजार आपूर्ति वक्र। तो व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र किस तरीके से दर्शाया जाए टेबल वो डायग्राम के जरिए, तो उसको ये हम आपूर्ति वक्र, व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र, बाजार आपूर्ति वक्र में रखते हैं। इनमें सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं जो बहुत इजी है, इसको आप ध्यान से पढ़ के समझ सकते हैं। और भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें शाहुल जॉन। अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट बुक की चार चैप्टर को हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो आप Amazon Shopper Flipkart पर भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मेरे द्वारा लिखी गई है खरीद सकते हैं।